क्या आप भी बार बार बिना वजह अपने फोन को यूज करते हो, नोटिफिकेशन बेल सुनकर तुरंत उसे चेक करते हो, आप भी सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो में जानेंगे कि मोबाइल फोन की लत कैसे लगती है और इससे क्या प्रॉब्लम होते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एवरेज पर्सन दिन में 5 से 6 घंटे अपने मोबाइल में स्पेंड करता है। हर 4 मोबाइल यूजर में से 3 मोबाइल यूजर सोने से पहले अपने फोन को यूज करते हैं। सोने से पहले फोन का इस्तेमाल करने से आपको नींद न आने की प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपनी लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि पूरे दिन में जब भी आपको फ्री समय मिलता है आप तुरंत ही अपने मोबाइल की लॉक स्क्रीन को अनलॉक करके नोटिफिकेशन चेक करने लगते हो या फिर सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। हमें इस समय को अपने पैशन में लगाना चाहिए, करियर में यूज करना चाहिए, अपने फैमिली, बच्चे और माँ बाप के साथ ये समय बिताना चाहिए, जिससे आप भी खुश रह पाओगे और रिश्ते ज़्यादा मजबूत बनेंगे। मोबाइल का ज़्यादा यूज करने से आपको एक डर लगने लग जाएगा जिसको नोमोफोबिया कहते हैं। किसी लोगों को तो जब अपनी बैटरी खत्म हो जाती है तब बेचैनी लगने लगती है, वो स्ट्रेस फील करने लगते हैं। एक सच्चाई यह भी है कि लोग असल दुनिया से वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा जुड़ रहे हैं, जिससे वो फिजिकली तो फैमिली और फ्रेंड के साथ है परंतु मेंटली बहुत दूर है। जब भी हम कोई नया फोटो खींचते हैं तब उसे एडिट करके सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, बाद में बार बार चेक करते हैं कि मेरे फोटो पे लोगों ने क्या रिएक्ट किया, मुझे कितनी लाइक और कमेंट मिली। ज़्यादातर लोग सिर्फ शो ऑफ करने के लिए करते हैं। सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करने से हमारी कंपैरिजन की भावना बढ़ रही है और डिसीजन लेने की स्किल वीक हो रही है। इससे हमारा सबसे कीमती समय बिगड़ता है, हमारा करियर बिगड़ता है, हमारे रिश्ते तबाह हो रहे हैं। इस सब जानने के बाद भी हम मोबाइल में ही लगे रहते हैं। जिसने ये व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट जैसे ऐप बनाए हैं वो अपना टाइम इसमें नहीं वेस्ट करते। ऑलमोस्ट दुनिया में जितने भी ऐप है, डिजिटल कंपनी है, ये सब अपने ऐप को ऐसे डिजाइन करने में लगे हैं कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इस पर स्पेंड करते हो। ये सब आपका ब्रेन वॉश कर रही है। जैसे एक शराबी शराब पीता है, सिगरेट पीता है, कोई निकोटीन लेता है, तब उसके ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है जिससे आपको अच्छा महसूस होता है और आपको इसे ज़्यादा लेने की इच्छा होने लगती है। सेम मोबाइल के किस्से में भी यही होता है और हमें बार बार मोबाइल को यूज़ करने की आदत लग जाती है। मोबाइल का यूज़ करना गलत नहीं है परंतु मोबाइल में टाइम पास करना गलत बात है। मोबाइल को यूज़ करो लेकिन नॉलेज लेने के लिए, अच्छी ई बुक पढ़ने के लिए, नई स्किल सीखने के लिए। आपकी लाइफ में कौन से वो लोग हैं जो आपको लगता है बहुत ही मोबाइल का यूज़ करते हैं और वो मोबाइल एडिक्शन के शिकार है, उससे ये वीडियो शेयर करो। अगर आप भी मोबाइल की लत से छूटना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में आप जानेंगे कि मोबाइल की लत कैसे छोड़ सकते हैं।